The most awaited learning playlist around Ringo Charts is here. ये पहला वीडियो है इस प्लेलिस्ट का जिस पे हम डिस्कस करेंगे रिंगो का चार्ट कंस्ट्रक्शन, रिंगो चार्ट्स क्या है, उनका कंस्ट्रक्शन, ब्रिक वैल्यूज और ब्रिक रिवर्सल पैटर्न जो सबसे बेसिक पैटर्न है रिंगो चार्ट्स का। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं रिंगो चार्ट्स प्रैक्टिस करता हूँ और मैं इनको पसंद करता हूँ क्योंकि ये ट्रेंड को बहुत आसानी से समझाते हैं। रिंगो चार्ट्स ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल मुझे लगते हैं और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं बिकॉज द वे दे गेट प्लॉटेड। तो रिंगो चार्ट्स डायगनली प्लॉट होते हैं और अभी हम आने वाले कुछ मिनटों में हम इसको और डिटेल में समझेंगे। सो रिंगो चार्ट्स नॉइजलेस फैमिली से आते हैं। जब मैं कहता हूँ नॉइजलेस, इसका मतलब ये है कि हम जो इनसिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट्स हैं, जो प्राइस मूवमेंट से ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं होता, जैसे कि साइडवेज एक्शन है, एक डोजी पैटर्न है, ठीक है, कैंडलस्टिक में हमने डोजी कैंडल समझा था कुछ वीडियो पहले। सो ये कुछ पैटर्न्स हैं वो एलिमिनेट कर देता है रिंगो चार्ट्स। और जो भी इंपॉर्टेंट प्राइस मूवमेंट्स, इंपॉर्टेंट मतलब अगर प्राइस सिग्निफिकेंटली कहीं ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो वो प्लॉट होते हैं। बट अगर मार्केट्स एक जोन में है तो ज़्यादा कुछ प्लॉटिंग होती नहीं है, विच रिमूव्स नॉइस। जो इनसिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट है हम उसको रिमूव कर देते हैं। सो इट ओनली प्लॉट्स इंपॉर्टेंट प्राइस मूवमेंट, एलिमिनेटिंग नॉइस, ठीक है, इसलिए ये नॉइजलेस चार्ट्स में आते हैं। और अगर हम इसे कंपेयर करना चाहें विथ कैंडलस्टिक, तो रिंगो चार्ट्स सिंगल डायमेंशन, यूनी डायमेंशनल चार्ट्स हैं जिसमें हम प्राइस को ज़्यादा वेटेज देते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम दैट दे टेक टू प्लॉट दैट ब्रिक। क्योंकि रिंगो चार्ट्स टाइम इंडिपेंडेंट है इसलिए एक ही एक्सेस इसमें होता है जो है प्राइस का। वेयर एज कैंडलस्टिक चार्ट्स दो एक्सेस होते हैं जिसमें देर इज वन एक्सेस विच इज ऑफ टाइम, वन एक्सेस इज ऑफ प्राइस, और वो टाइम डिपेंडेंट चार्ट्स हैं इसलिए हम उसे बोलते हैं टू डायमेंशन चार्ट्स। क्योंकि हर मिनट की एक कैंडल प्लॉट होनी चाहिए या जो भी हम टाइम फ्रेम उसको ले रहे हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक चार्ट प्लॉट कर रहे हैं तो हम हर रोज हमें चार डेटा पॉइंट्स मिलते हैं। जब मार्केट ओपन होता है तो एक ओपनिंग प्राइस होता है, पूरे दिन में एक हाई जो प्राइस प्लॉट होता है वो एक हाई होता है, लो होता है, एंड वेयर द डे गेट्स क्लोज्ड, तो हमें चार डेटा पॉइंट्स मिलते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। अब ये पूरे इसमें आपको हर दिन का जो प्राइस मिल रहा है OHLC का वो आपको प्लॉट करना होता है। तो कैंडलस्टिक में चार डेटा सेट हर रोज़ प्लॉट होते हैं, वेयर एज रिंगो चार्ट्स में अगर सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट हो रहा है तो ही प्लॉट होता है। अब रिंगो ये वर्ड कहाँ से आया, राइट? तो ये एक जापनीज कैंडल, जैसे ही कैंडलस्टिक एक जापनीज कैंडलस्टिक मेथड है वैसे ही रिंगो भी जापान से आया हुआ एक जापनीज प्लॉटिंग मेथड है। और यहाँ पे हम एक सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट प्लॉट करते हैं और रिंगो का मतलब होता है ब्रिक, इसलिए हम इसको ब्रिक चार्ट्स भी कहते हैं। सो रिंगो चार्ट्स आर ऑल्सो नोन एज ब्रिक चार्ट्स। कुछ वेस्टर्न सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पे रिंगो वर्ड नहीं यूज़ होता बट उसकी जगह पे ब्रिक टर्म यूज़ होता है। तो रिंगो चार्ट्स एंड ब्रिक चार्ट्स आर सेम और हम एक सेम चार्टिंग मेथड ही देख रहे हैं। हम रिंगो चार्ट्स को अब थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं, उसके लिए मैं आपको ले जाता हूँ मेरे व्हाइट बोर्ड की तरफ। सो रिंगो चार्ट्स का पहले हम कंस्ट्रक्शन समझते हैं, ठीक है? अगर हमने कंस्ट्रक्शन समझ लिया तो मोस्ट ऑफ द टास्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिंगो चार्ट्स इज क्लियर। तो रिंगो चार्ट कंसिडरिंग, अब यहाँ पे मैं एक हाइपोथेटिकल स्टॉक और हाइपोथेटिकल वैल्यूज ले रहा हूँ। अब एक है स्टॉक एक्स, ठीक है, और इसके जो प्राइजेस हैं मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि डे वन पे ये अराउंड 100 है, डे टू पे ये 101 पे जा रहा है, डे थ्री एट 102, डे फोर एट 102.5, डे फाइव एट 103, डे सिक्स एट 104, डे सेवन एट 103, डे एट एट 102.8, डे नाइन एट 102 एंड डे टेन एट 101। मैंने ऐसे कुछ प्राइसिंग ले लिया, ठीक है। अब इसको सिंपल समझते हैं कि जब भी हमें एक रिंगो चार्ट प्लॉट करना है तो हमें एक स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए कि जहाँ से चार्ट प्लॉट होना शुरू होगा। अगर आप एक टाइम फ्रेम ले रहे हो विच इज़ अ डेली टाइम फ्रेम,
कि आप हर दिन के एंड में आप कंडीशंस देख रहे हो कि मैच हो रही है या नहीं, इसको हम आने वाले कुछ मिनटों में हम समझेंगे और डिटेल में। बट हमें एक स्टार्टिंग प्राइस चाहिए होता है। सो फॉर अस द स्टार्टिंग प्राइस इज 100। तो ये 100 जो है वो स्टार्टिंग प्राइस हो गए, ठीक है। अब 100 से हम देख रहे हैं कि नाउ एवरी ब्रिक दैट वी प्लॉट शुड बी ऑफ 1 पॉइंट। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी ब्रिक जो प्लॉट हो रहा है वो 1 पॉइंट का प्लॉट होना चाहिए। तो जब भी हम 100 से 101 जाते हैं, ठीक है, जो डे 1 से डे 2 में हम 100 से 101 गए, तो हमने 1 पॉइंट का अप्रिशिएशन किया। तो जो 100 पे एक ब्रिक प्लॉट हुआ था, जब हम 101 पे जाएंगे तो एक अगला ब्रिक प्लॉट होगा। सो एट 101 द नेक्स्ट ब्रिक विल गेट प्लॉटेड। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की क्या है कि रेंको चार्ट्स आर डायगनल प्लॉटिंग सिस्टम। अब डायगनल मतलब हमेशा हमारे पास एक लो वैल्यू होगी और हाई वैल्यू होंगी, राइट। सो ये डायगनल प्लॉटिंग सिस्टम मतलब ये आईडी ऐसे प्लॉट होते हैं। सो दिस इज अ डायगनल प्लॉटिंग, ठीक है। सो द लोएस्ट प्राइस इज द स्टार्टिंग प्राइस एंड डायगनली जहाँ पे क्लोज होता है वहाँ पे एक और प्राइस प्लॉट होता है, राइट। सो हम डायगनली ये पूरे मेथड डायगनल मेथड यूज कर रहे हैं टू प्लॉट प्राइस। हर बार एक पॉइंट से अगर हम ऊपर जा रहे हैं, एवरी टाइम वी प्लॉट 1 ब्रिक डायगनली। डायगनली मतलब अब इसका जो एंड है यहाँ से एक और ब्रिक ऐसे प्लॉट हो जाएगा, देन 1 मोर ब्रिक। सो एज वी प्रोग्रेस हायर विल कीप ऑन प्लॉटिंग 1 1 1 ब्रिक हायर, ठीक है। कभी ऐसा होगा कि दो चार पॉइंट्स हम ज़्यादा अप्रिशिएट हो गए तो एक साथ दो तीन ब्रिक्स प्लॉट हो सकते हैं, राइट। सो लार्जली ये एक ब्रिक जो है वो 1 पॉइंट के, तो हर पॉइंट एक पॉइंट ऊपर हम जा रहे हैं तो अप्रिशिएट हो रहे हैं, राइट। सो दैट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेंको चार्ट्स एंड अ बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसको थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये मेजर एक आइडिया हो गया, अब इसके डेप्थ में जाते हैं। इसके लिए हमें ये जो क्वेश्चन हमने जो प्राइस क्वेश्चन नहीं जो हमने प्राइजेस यूज किए उसको समझते हुए हम अब रेंको चार्ट्स प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। अब जब जब प्राइस अप्रिशिएट हो रहा है, ऑल दिस मेथड वेयर वी आर गोइंग टू यूज इज 1 पॉइंट। 1 पॉइंट का एक ब्रिक है, राइट। सो फ्रॉम 100 व्हेन वी गो टू 101 वी आर गोइंग टू प्लॉट 1 ब्रिक। तो ये हो गया फर्स्ट ब्रिक जिसका ओपनिंग प्राइस या लो प्राइस था 100 एंड द क्लोजिंग प्राइस एंड द हाई प्राइस इज 101। जब हम 101 से 102 गए हमने एक और ब्रिक प्लॉट किया। अब 102 से 102.5 गए, शुड वी प्लॉट 1 मोर ब्रिक? नो, राइट, बिकॉज हमारा हर एक जो ब्रिक है वो अपने आप में 1 पॉइंट के लेंथ का है। सो दिस इज अ 1 पॉइंट लेंथ ब्रिक। सो नाउ वी हैव अप्रिशिएटेड 0.5, तो वो एक से कम है। तो ये जो 102 से 102.5 गए यहाँ पे कोई भी ब्रिक प्लॉट नहीं होगा। अब जब हम 102 से 103 तक जाएंगे, जो दिन पहुंचेंगे उस दिन हम 102 से 103 की ब्रेक प्लॉट करेंगे। सो फ्रॉम 102 टू 103 वी आर गोइंग टू प्लॉट 1 मोर ब्रिक। अब डे 5 से डे 6 हम 103 से 104 गए, दिस इज द डे वेयर वी हैव अप्रिशिएटेड एंटायर 1 पॉइंट। तो 103 से 104 के तरफ गए एंड दिस इज द 104 लेवल, राइट। सो एवरी 1 पॉइंट अप्रिसिएशन वी आर प्लॉटिंग 1 बुलिश ब्रिक, राइट। कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं वो बुलिश ब्रिक को ग्रीन से डिनोट करते हैं और बेरिश ब्रिक को रेड से डिनोट करते हैं, बट नाउ द सॉफ्टवेयर अलाउ यू टू हैव अ कस्टम कलर एज वेल। बट आइडिया इज सारे कलर का कोई इसमें ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है। रेलेवेंस ये कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो हमें प्लॉट करना है एक ब्रिक से, प्राइस नीचे आएगा तब हम एक और ब्रिक से प्लॉट करेंगे। एंड जस्ट सिंपल डिफरेंशिएशन वी हैव टू डू इज विथ द कलर। बुलिश ब्रिक का एक कलर दे दो, आप बेरिश ब्रिक का एक कलर दे दो, कलर कैन बी एनीथिंग। सो द प्राइस इज अप्रिशिएटिंग, इट इज गेटिंग प्लॉटेड विथ ग्रीन ब्रिक फॉर आर एग्जाम्पल, एंड इफ इट इज प्लॉटिंग अगर बेरिश ब्रिक है तो वो हम रेड से प्लॉट करेंगे, राइट। सो दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज हाउ द रेंको चार्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड, बट दिस कैनॉट बी दैट ईजी, राइट, क्योंकि आप प्राइस जब अप्रिशिएट हो रहा है तब प्लॉट करना तो आसान है, अब जब प्राइस रिवर्स होगा तो उसकी क्या कंडीशन होगी। तो हमें ये समझना है कि रेंको में एक बेसिक पैटर्न है जिसका नाम है ब्रिक रिवर्सल।
ब्रिक रिवर्सल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे कलेक्टिवली कंप्लीट रेंको चार्ट्स। तो बिना ब्रिक रिवर्सल पैटर्न समझे हम रेंको चार्ट्स को नहीं समझ पाएंगे, तो हम ब्रिक रिवर्सल समझते हैं। एज रेंको चार्ट्स आर डायगनल प्लॉटिंग सिस्टम, कि ये डायगनली प्लॉट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी यहाँ पे जो लास्ट ब्रिक यहाँ पे प्लॉट हुआ, जो ग्रीन ब्रिक है फ्रॉम 104, हम यहाँ पे ग्रीन ब्रिक में है, राइट। सो इफ प्राइस फ्रॉम 104 इट कम्स टू 103, कैन वी प्लॉट वन मोर ब्रिक एडजेसेंट टू इट? नो, राइट, बिकॉज रेंको चार्टिंग मेथड इज अ डायगनल प्लॉटिंग सिस्टम। अब डायगनल प्लॉटिंग सिस्टम है तो हम एडजेसेंट प्लॉट ही नहीं कर सकते। सो द मेथड, सो वेन एवर प्राइस गोज फ्रॉम 104 टू 103, वी आर नॉट गोइंग टू प्लॉट एनीथिंग, क्योंकि हम 103 से फिर से 104 चले गए, तो वी आर नॉट गोइंग टू प्लॉट वन मोर बुलिश ब्रेक, राइट। नहीं तो ये तो इनसिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट हो गया। सो दिस इज नॉट सॉल्विंग द पर्पस ऑफ रेंको चार्ट्स, क्योंकि अभी भी इसके अंदर नॉइज आ गया। तो ये तो कैंडलस्टिक भी कर ही रहा था, राइट, उसमें भी डोजी फॉर्म हो ही रहते हैं, विच इज दैट वॉज रिफ्लेक्टिंग की कोई प्राइस मूवमेंट नहीं है। तो अगर हम एडजेसेंट ब्रिक्स प्लॉट करना शुरू कर दिया तो इट इज़ नॉट सॉल्विंग द पर्पस। पर्पस विल गेट सॉल्व अगर हम डायगनल प्लॉट करना शुरू करें। सो इसको और थोड़ा समझते हैं कि ब्रिक रिवर्सल, अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ ब्रिक रिवर्सल, दैट मीन्स अब हम बुलिश ब्रिक से बेरिश ब्रिक तब शिफ्ट होंगे जब हम ये बुलिश ब्रिक के हाई वैल्यू से 2x हम नीचे रिवर्स करते हैं। तो ये ब्रिक का जो भी साइज है, तो हम ये ब्रिक का साइज जो भी है, सो ब्रिक साइज का रिवर्सल वैल्यू जो है वो 2x होना चाहिए, 2 times द ब्रिक साइज। अब हमने यहाँ पे लिया हुआ कि द ब्रिक साइज इज ऑफ 1 point, दैट मीन्स इसका जब भी रिवर्सल होगा वो कम से कम 2 points का रिवर्सल होना चाहिए, तो ही हम रेड ब्रिक प्लॉट करेंगे। दैट मीन्स अगर हम 104 से नाउ इफ वी गो टू 102, ओनली देन वी आर गोइंग टू प्लॉट अ ब्रिक रिवर्सल, या तो उसके बाद हम कुछ प्लॉट नहीं करेंगे, राइट। सो फ्रॉम डे 4 टू डे 5 वी वेंट फ्रॉम 102.5 टू 103, 103 टू 104। अब ये 104 से 103 आ रहे हैं हम डे 7 में। सो वी केम फ्रॉम 104 टू 103, विच इज दिस प्राइस, राइट। एंड रेंको चार्ट्स आर प्लॉटेड बेस्ड ऑन क्लोजिंग प्राइसेस। तो अब 104 का जो क्लोजिंग प्राइस, जो प्रीवियस ब्रिक का जो क्लोजिंग प्राइस है, उससे 2x टाइम्स हमें नीचे जाना पड़ेगा टू प्लॉट अ बेरिश ब्रिक। बट इफ़ यू वॉन्ट टू प्लॉट अ बुलिश ब्रिक, वी नीड ओनली 1x मूवमेंट, मतलब क्योंकि बुलिश ब्रिक के सीक्वेंस में ही है। तो 104 से अगर 105 चले गए तो हम एक बुलिश ब्रिक प्लॉट करेंगे, और अगर हम 104 से अगर 102 आ जाते हैं, ये लेवल पे आ जाते हैं, तो वी हैव टू प्लॉट अ रेड ब्रिक। अब इसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है पहले हम ये चेक करते हैं। सो फ्रॉम 103 वी वेंट टू 102.8, अगेन कंडीशन डिड नॉट गेट सेटिस्फाइड, कंटिन्यूएशन ब्रिक की भी सेटिस्फाई नहीं हुई, रिवर्सल ब्रिक की भी सेटिस्फाई नहीं हुई। फ्रॉम डे 8 फ्रॉम 102.8 वी वेंट टू 102। नाउ हियर द कंडीशन ऑफ रिवर्सल ब्रिक गॉट सेटिस्फाइड, कि हम 104 से 102 आ गए। सो नाउ अ बेरिश ब्रिक कैन गेट प्लॉटेड हियर, शोइंग दैट दिस इज अ बेरिश ब्रिक, कि हम 104 के टॉप से वी मेड अगेन अ लो ऑफ 102। एंड रेंको ब्रिक्स एज दे आर गेटिंग प्लॉटेड बेस्ड ऑन क्लोजिंग प्राइसेस, तो बुलिश ब्रिक का जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो हमेशा हाई वैल्यू होती है, और बेरिश ब्रिक का जो क्लोजिंग प्राइस है वो हमेशा लो प्राइस रहता है, राइट। सो एज दे आर गेटिंग प्लॉटेड बेस्ड ऑन क्लोजिंग प्राइसेस, तो रेंको का जो बुलिश ब्रिक का 2x द प्राइस अगर रिवर्सल होता है, वी प्लॉट अ रेड ब्रिक। सेम वे अगर हम 102 से जब भी 104 आएंगे, अगर हम 102 से अगर 104 आ जाते हैं, राइट, देन वी आर गोइंग टू प्लॉट अ बुलिश ब्रिक। बट लेट अस कंटिन्यू विद द एग्जाम्पल दैट वी वेर लर्निंग, राइट। तो इधर हम समझते हैं कि हम उसके बाद फ्रॉम 102 फ्रॉम डे 10 वी वेंट टू 101, तो इसके बाद हमने एक और बेरिश ब्रिक प्लॉट किया, राइट। सो आई होप द कंस्ट्रक्शन इज क्लियर। अगर हम ट्रेंड के डायरेक्शन में नहीं, ब्रिक के जो अगर बुलिश स्विंग के डायरेक्शन में है, सारे सीक्वेंस ऑफ बुलिश ब्रिक है, अगर रीसेंट ब्रिक बुलिश है
तो एक पॉइंट का या जितना भी उसका ब्रिक साइज है उतने से ही अगर हम आगे मूव करते तो हम ग्रीन ब्रिक प्लॉट करेंगे, और 2x द ब्रिक साइज अगर उल्टे डायरेक्शन में हम रिवर्स करते हैं तो हम एक बेरिश ब्रिक प्लॉट करेंगे। तो ये है बेसिक ऑफ रेंको कंस्ट्रक्शन। अब इसको हम एक स्टेप आगे ले जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग ब्रिक वैल्यूज, कि ब्रिक वैल्यूज क्या होते हैं। क्योंकि ये अभी मैंने रैंडमली लिया 1 पॉइंट का, दिस इज अ रैंडम ब्रिक साइज, बट ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? क्योंकि अगर मैं 100 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और उसका 1 पॉइंट का ब्रिक है, दैट मीन्स एज ऑफ नाउ वी आर प्लॉटिंग 1%, एवरी ब्रिक इटसेल्फ इज ऑफ 1%। बट वॉट इफ अ स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1000 एंड वी स्टिल प्लॉट 1 पॉइंट ब्रिक, देन इट इज गोइंग टू बी फार लेसर, राइट? इट इज गोइंग टू बी 0.1% ऑफ द वैल्यू, राइट? सो द एब्सोल्यूट ब्रिक साइज डजेंट मेक सेंस। सो आई टेल यू देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेंको चार्ट्स। सबसे पहला टाइप है एब्सोल्यूट ब्रिक साइज। एब्सोल्यूट ब्रिक साइज मतलब हमने जिसका एग्जाम्पल लिया कि हमने एक डिफाइन कर दिया कि इतना ब्रिक वैल्यू होगा हमें ब्रिक जो है रेंको चार्ट है वो प्लॉट करने हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में समझा कि 1 पॉइंट का एक ब्रिक होगा, ये एक हमने एब्सोल्यूट टर्म दे दिया। ऐसे हम और अलग अलग एब्सोल्यूट बॉक्स साइजेस पे भी प्लॉट कर सकते हैं। वी कैन कंसिडर 5 पॉइंट टू प्लॉट 1 ब्रिक, और मे बी 10 पॉइंट्स टू प्लॉट 1 ब्रिक, मे बी 100 पॉइंट्स टू प्लॉट 1 ब्रिक। सो ये जो भी हमने एक टर्म दे दिया, एक डिफाइंड ब्रिक साइज दे दिया, दैट इज एब्सोल्यूट ब्रिक साइज। द सेकेंड मेथड ऑफ प्लॉटिंग इज ATR ब्रिक साइज। ATR ब्रिक साइज मतलब कि यहाँ पे आप ATR इंडिकेटर को यूज करोगे। तो ATR इंडिकेटर ये होता है कि आप लास्ट 14 पीरियड में आप उनका हाई और लो रेंज कैलकुलेट करोगे, हाई वैल्यू को ऐड करोगे, लो वैल्यूज को ऐड करोगे, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, जो वैल्यू मिलेगी उसको डिवाइडेड बाय 14 करोगे, तो आपको एवरेज ट्रू रेंज मिल जाएगा। वो एवरेज ट्रू रेंज के बेसिस पे आपको ब्रिक वैल्यू पता चल जाएगी। लेट से आप निफ्टी में प्लॉट करो तो निफ्टी का ATR अभी 150 है, 150 पॉइंट्स है, तो अब 150 पॉइंट का हर एक ब्रिक प्लॉट होता जाएगा। सो ATR ब्रिक साइज हैज़ अ ड्रॉबैक। वन, इट इज़ नॉट ट्रेडेबल बिकॉज द बॉक्स साइजेज आर ह्यूज। अगर आप ATR ब्रिक साइज में ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉसेस बहुत ह्यूज होने वाले हैं, तो इसलिए हम ATR ब्रिक साइज फ्रॉम अ ट्रेडिंग परस्पेक्टिव यूज़ नहीं करते। सेकेंड, द सेकेंड डिफिकल्टी दैट वी हैव इज ATR ब्रिक साइज गेट्स रीपेंटेड एवरी डे। रीपेंट का मतलब क्या है कि हम हर रोज़ ATR का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बेसिस पे हम पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हुए हम चार्ट प्लॉट करेंगे। सो ATR ब्रिक साइज हमेशा रीपेंट होता है डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम दैट यू आर यूजिंग। सो इसमें रीपेंट का इश्यू होता है, इस वजह से भी हम ATR ब्रिक साइजेस यूज़ नहीं करते। और ATR ब्रिक साइज का एक अलग यूज केस है विच ये पूरे सीरीज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ATR ब्रिक साइज कैसे यूज़ किया जा सकता है। बट लार्जली ये दो तरीके हैं। एंड द थर्ड इज द लॉग ब्रिक साइज विच इज पॉपुलरली यूज एंड द राइट वे टू यूज रेंको चार्ट्स। अब लॉग ब्रिक चार्ट्स मतलब क्या है, ये परसेंटेज वैल्यूज हैं, ठीक है? कि हम प्लॉट कर रहे हैं कि 1% की मूवमेंट होती है तो प्लॉट करो, या 2% की मूवमेंट होती है, 3% की मूवमेंट होती है तो आप यूज़ करो। और अगर आप ये यूट्यूब चैनल के साथ रेगुलरली जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि मैं लॉग ब्रिक वैल्यूज़ यूज़ करता हूँ, एंड और मल्टी टाइम फ्रेम में हम यूज़ करते हैं। उसका लॉजिक ये है कि लॉग ब्रिक चार्ट्स आपको चार्ट जो रेंको चार्ट्स है उसमें कंसिस्टेंसी देता है, कि 1% मूवमेंट विच वॉज रेलिवेंट 10 ईयर्स बैक इज स्टिल रेलिवेंट टूडे, राइट? अगर मैं उसको एब्सोल्यूट ब्रिक साइज के साथ कंपेयर करूँ तो रेंको चार्ट्स अगर निफ्टी पे हम प्लॉट कर रहे हैं ऑफ 50 पॉइंट्स, ठीक है, तो 50 पॉइंट्स व्हेन निफ्टी वॉज ट्रेडिंग एट 5000 वॉज रफली अराउंड वॉट 1% मूवमेंट। बट नाउ दैट 50 पॉइंट्स इफ वी ट्रेड नाउ व्हेन निफ्टी इज एट 18000 लेवल विल बी रफली एट 0.25% और 0.3%, राइट? तो हमने जो चार्ट में कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट का और रेलेवेंसी है वो हमने निकाल दी। बट अगर हम 1% चार्ट या 2% चार्ट प्लॉट करते हैं विच इज़ अ लॉग ब्रेक चार्ट विच हेल्प्स कीप द चार्ट रेलेवेंट, तो जो 1% का जो पैटर्न 10 साल पहले 15 साल पहले बना था वो आज के टाइम में भी रेलेवेंट होगा, राइट? क्योंकि ये एक लॉग ब्रेक चार्ट से और परसेंटेज मूवमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। एंड इवन दे मेक ट्रेडिंग मोर सिंपलर बिकॉज एज अ ट्रेडर वी विल मेक मनी वंस
द प्राइस इज अप्रिशिएटिंग फ्रॉम आर एंट्री वैल्यूज, तो हम 10% 15% प्राइस ऊपर आता है. सो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दिस चार्ट्स मेक लॉट ऑफ रेलेवेंस, राइट. सो लॉग ब्रेक चार्ट्स आर पॉपुलरली यूज्ड रेंको चार्ट्स एंड दे गिव क्लियर पिक्चर बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑफ कीपिंग रेलेवेंसी ऑन द चार्ट. मोस्ट ऑफ द नॉइजलेस चार्ट्स प्रैक्टिशनर प्रेफर लॉग ब्रेक चार्ट्स. तो ये एक इम्पॉर्टेंस है. इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ. लॉग ब्रेक चार्ट्स आर अवेलेबल विद डिफाइन एच सॉफ्टवेयर. मैंने इसको बहुत सारे दूसरे चार्टिंग मेथड पे देखा है, ट्रेडिंग व्यू पे देखा है कि ट्रेडिंग व्यू आपको पॉसिबिलिटी दो ही तरीके के चार्ट मेथड प्लॉट करने को देता है, विच इज़ एब्सोल्यूट एंड ATR. एंड वी आर नॉट यूजिंग एनी ऑफ दैट. वी यूज लॉग ब्रेक वैल्यूज व्हेन वी सी चार्ट पैटर्न्स एंड वी ट्राई टू एनालाइज रेंको चार्ट्स. सो अगर आपको रेंको चार्ट्स को प्रैक्टिस करना है, सो आई विल एनकरेज यू टू ओपन एन अकाउंट विद डिफाइन एच. और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आई विल ऑल्सो एड अ कूपन कोड विद दिस वीडियो. आप वो कूपन कोड यूज करते हुए यू कैन अवेल अ डिस्काउंट. सो ये हुआ एक और मेथड ऑफ प्लॉटिंग रेंको चार्ट्स. कि हमने तीन तरीके के चार्टिंग मेथड समझे, चार्टिंग स्टाइल समझे ऑफ रेंको चार्ट्स. वन इज एब्सोल्यूट ब्रिक, जहाँ पे हम एक एब्सोल्यूट नंबर दे देते हैं, उस हिसाब से हम रेंको चार्ट्स प्लॉट करते हैं. दूसरा तरीका है कि हम ATR ब्रिक वैल्यूज के हिसाब से प्लॉट करते हैं, कि हम ATR की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उस हिसाब से हम चार्ट प्लॉट करेंगे. तीसरा मेथड है लॉग ब्रिक चार्ट्स. लॉग ब्रिक चार्ट्स आर पॉपुलरली यूज, दे कीप द चार्ट रेलेवेंट. और ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है, राइट. और इसका जो नेक्स्ट मेथड, द बेसिक पैटर्न दैट वी अंडरस्टूड वॉज ब्रिक रिवर्सल. ब्रिक रिवर्सल का लॉजिक सिंपल है कि जो भी ग्रीन ब्रिक के सीरीज में हम, इफ़ यू आर इन सीक्वेंस ऑफ ग्रीन ब्रिक, और अगर उसका 2x वैल्यू नीचे की तरफ अगर हम रिवर्स करते हैं, लेट्स से अगर 1% का चार्ट है, तो हर एक एक परसेंट प्राइस ऊपर अप्रिशिएट हो रहा है, तो हम एक एक ग्रीन ब्रिक प्लॉट करें. एंड वेन एवर फ्रॉम द हाई वैल्यू इफ प्राइस रिवर्सेज बाई 2x, मतलब 2% अगर रिवर्स करता है, तो हम एक रेड ब्रिक प्लॉट करेंगे, राइट. सो दैट्स द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ रेंको चार्ट्स. बट एज आई सेड, दिस आर टाइम इंडिपेंडेंट चार्ट्स. बट वेन यू स्टार्ट प्लॉटिंग, इट विल स्टार्ट गिविंग यू टाइम कि किस टाइम पे आपको प्लॉट करना है, कि आपको उसको 1 मिनट के चार्ट पे प्लॉट करना है. और आपने मेरे यूट्यूब वीडियोज पे उसको देखा होगा कि हम 1 मिनट के चार्ट को कुछ रिलेवेंस देते हैं, कुछ डेली टाइम फ्रेम को रिलेवेंस देते हैं. तो ये इंपॉर्टेंस क्या है, ये टाइम का मतलब क्या है. सो रेंको चार्ट्स को आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आपको ये जो ब्रिक रिवर्सल की कंडीशन है, या प्राइस के अप्रिसिएशन की जो कंडीशन है, कि प्राइस सीक्वेंस में अगर बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट कंटिन्यूएशन ब्रिक, मतलब सीरीज ऑफ ग्रीन ब्रिक्स हैं, उसके बाद एक और ग्रीन ब्रिक प्लॉट होता है, तो हम उसे बोलते हैं कंटिन्यूएशन ब्रिक. और अगर हम ग्रीन से रेड ब्रिक में आते हैं, तो हम उसे बोलते हैं रिवर्सल ब्रिक. सेम वे व्हेन वी आर इन सीरीज ऑफ रेड ब्रिक्स, और तो हम उसको बोलेंगे, हर एक एक रेड ब्रिक अब सीक्वेंस में प्लॉट होता जाता है, तो हम उसे बोलेंगे कंटिन्यूएशन ब्रिक. और फिर रेड से हम जब भी बुलिश टर्न करेंगे, ग्रीन ब्रिक में टर्न करेंगे, तो हम उसे बोलेंगे रिवर्सल ब्रिक. सो हम टाइम रेंको चार्ट्स को बताते हैं ये समझने के लिए कि ये जो रिवर्सल और कंटिन्यूएशन ब्रिक की कंडीशन मैच हो रही है, तो किस टाइम इंटरवल में हमें चेक करना चाहिए, राइट. नहीं तो अगर टाइम इंटरवल ही ना हो कंडीशन चेक करने का, तो इमेजिन करो चार्ट्स कैसे प्लॉट होंगे, कि प्राइस 100, 101, 102, 103 जा रहे, तो हम एक सीक्वेंस में चार्ट्स प्लॉट करते जा रहे हैं, ब्रिक एक सीक्वेंस में ऊपर 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 आते जा रहे हैं. बट जब हम 104 से 103 आते हैं, या 103 से 102, तो हम ब्रिक क्या इरेज कर देंगे, राइट. सो दैट्स अ थॉट, राइट. ब्रिक इरेज तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने प्लॉट कर दिया उसको. सो यहाँ पे अगर आपने टाइम बताया ही नहीं है कि कब वो कंडीशन चेक करनी है, तो टेक्निकली हमें ब्रिक को इरेज करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट द राइट वे ऑफ प्लॉटिंग, बिकॉज वी नो विच पैटर्न्स आर गेटिंग प्लॉट. नहीं तो आपको सीक्वेंस ऑफ जो ग्रीन ब्रिक है, वही सीक्वेंस ऑफ ग्रीन ब्रिक एक लाइन ही मिलेगा, राइट. सो द कंटिन्यूएशन ब्रिक और रिवर्सल ब्रिक, ये कंडीशंस कब मैच करनी है हमें, उसके लिए हमें एक टाइम इंटरवल स्पेसिफाई करना पड़ता है. सो द टाइम इंटरवल हियर, जो हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइम फ्रेम, दैट इज ओनली टू चेक द कंडीशन, वेदर द कंटिन्यूएशन ब्रिक शुड गेट प्लॉटेड और द रिवर्सल ब्रिक शुड गेट प्लॉटेड.
इसके लिए हम टाइम इंटरवल को चेक करते हैं, बस यही एक सिर्फ टाइम का डिपेंडेंसी है। बट व्हेन वी आर प्लॉटिंग दिस चार्ट, दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट चार्ट, क्योंकि जो एक ब्रिक है वो एक ब्रिक में प्राइस कितना भी टाइम स्पेंड कर सकता है, क्योंकि ये ब्रिक प्लॉट होंगे जब भी प्राइस अप्रिशिएट होगा, टाइम का इसमें कोई रेलेवेंस नहीं है। ये रेंको लर्निंग प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है जिसमें हमने समझा कि रेंको चार्ट्स कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं। आने वाले कुछ वीडियोस में हम ये समझेंगे कि इसमें कितने पैटर्न्स हैं, इन्हें कैसे ट्रेड करना है, इंडिकेटर्स कौन से आप यूज़ कर सकते हो, कलेक्टिवली रेंको चार्ट्स हाउ दे कैन हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई, आपको ये वीडियो पसंद आया, तो आप लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताओ कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में ऑन रेंको चार्ट्स।